तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी G20 बैठक, जिसमें G20 में शामिल होने वाले 20 देशों में से 17 देश आए हैं और जो 3 देश नहीं आए हैं उसमें सऊदी अरेबिया, चीन और टर्की का नाम शामिल था। हालांकि टर्की और पाकिस्तान की मित्रता गहरी और पुरानी है, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ भारत के रिश्ते कुछ समय से कुछ हद तक मजबूत हुए थे, जिसके आधार पर भारत को यह पूरा भरोसा था कि सऊदी अरेबिया अपने डेलीगेट्स को इस मीटिंग के लिए जरूर भेजेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि भारत के साथ अपनी दोस्ती की गंभीरता को देखते हुए चीन की तरह ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर भारत के कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं दी, और इसीलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुश हो रहा था कि हम जिस बॉयकॉट मुहिम को चला रहे थे उसमें सऊदी अरेबिया जैसे इतनी बड़ी गल्फ कंट्री का सहारा मिला था। लेकिन वही अब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है, और सऊदी पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाते भले इस बैठक में नहीं आया हो, लेकिन सऊदी अरेबिया ने चुपचाप भारत के साथ एक बड़ी डील कर ली है, जिसके बारे में जानकर पाकिस्तान भी दंग रह जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो पहले की तरह ही पारदर्शी और मजबूत है। हालांकि G20 में इतनी बड़ी गल्फ कंट्री का ना आना भारत को कहीं ना कहीं नाराज तो जरूर करेगा। फिलहाल हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की उस डील के बारे में जो उसने हाल ही में भारत के साथ की है, और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जो बताती है कि सऊदी अरेबिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी एरेमको ने भारत की एक कंपनी के साथ डील साइन की है। एक बहुत बड़े गैस पाइपलाइन को एरेमको कंपनी बिछाना चाहती है, जिसके लिए इन्हें बड़े व्यास वाले लंबे स्टील के पाइपों की आवश्यकता है, और इस टेंडर को पूरा करने के लिए सऊदी अरेबिया की तरफ से 1.8 रियाल का टेंडर निकाला गया, और इस टेंडर को भारत की कंपनी वेल स्पेन कॉर्पोरेट लिमिटेड ने जीत लिया है, जो कि स्टील इंडस्ट्री एपिक की एक होम ग्रोन एसोसिएटेड कंपनी है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जो अभी हाल ही में पब्लिश हुआ है। मंडे को WCL ने खुद इस स्टेटमेंट को जारी करते हुए खुद इस बात की जानकारी दी है कि भारत का कॉन्ट्रैक्ट 1.8 बिलियन यानी कि भारतीय रुपए के अनुसार 4000 करोड़ का है, और यह WCL का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो एक सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एक ही कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक बार में ही देना है। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत का स्टील सेक्टर नंबर 1 पर है। भले ही चाइना स्टील मैन्युफैक्चर में नंबर 1 पर हो, लेकिन जब बात स्टील के एक्सपोर्ट करने की आती है तो इसमें भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसीलिए भारत नंबर 1 की पोजीशन पर टिका हुआ है, और भारत की कंपनी पर इंटरनेशनल मार्केट का बहुत ज्यादा भरोसा है, और इसी के चलते भारत को आने वाले वक्त में 2 और नए प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। इसी से साफ होता है कि भारत के साथ सऊदी अरेबिया की ये डील बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है।